क्या आप ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची माउंटेन कौन सी है, या ये कि पूरी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला चीज़ कौन सा है, या ये तो जानते ही होंगे कि आई के ऊपर पड़ी इस डॉट को क्या बोलते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता तो बने रहे वीडियो के साथ, इस वीडियो में आपको फुल नॉलेज मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 20, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे फेमस वेबसाइट कौन सी है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। थर्ड नंबर पर है हमारा यूट्यूब तो आप जानते ही हैं, और सेकेंड नंबर पर है फेसबुक, एंड फर्स्ट नंबर पर आप सभी जानते हैं गूगल। फैक्ट नंबर 19, आपने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा कि पेड़ पौधे लगाने से वातावरण और नेचर शुद्ध रहता है, ये तो हम सभी जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं एक पूरी तरह से उगा हुआ पेड़ एक नए लगाए गए पौधे से 70 गुना ज़्यादा पर्यावरण और वातावरण को साफ रखता है। फैक्ट नंबर 18, इंटरनेट तो हम सभी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इंटरनेट हमारे लिए कितना यूजफुल है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको इंटरनेट के बारे में नहीं पता होगा। आप इंटरनेट के बारे में इतना जानते हैं तो आपको यह भी मालूम होगा कि वेबसाइट्स क्या होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको शायद ही पता होगा कि इंटरनेट की दुनिया में लगभग प्रत्येक सेकेंड 600 से भी अधिक नई वेबसाइट बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 17, यूट्यूब तो हम सभी जानते हैं, और यूट्यूब पे हम रोज़ाना वीडियो भी देखते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हो। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, अब वही देश वाले जाने। तो चलिए मैं आपको ऐसे ही एक देश के बारे में बताता हूँ। यूट्यूब की सबसे पॉपुलर वीडियोस में से लगभग 60% को जर्मनी में ब्लॉक कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों है, वही जानते होंगे। फैक्ट नंबर 16, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल में तो हमें कुछ पेड़ लगाने चाहिए, और पेड़ हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है ये तो आप जानते ही हैं। चलिए इसके बारे में एक आपको और फैक्ट बताता हूँ। एक पेड़ एक साल में जितनी कार्बन सोखता है, उतनी कार्बन एक कार 41,600 किलोमीटर चलने के बाद पैदा कर। फैक्ट नंबर 15, अगर मैं आपसे पूछूँ कि ईमेल और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब दोनों में से कौन ज़्यादा पुरानी है, तो आप WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब ही बोलोगे। पर ऐसा नहीं है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईमेल और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब से भी पुरानी है। फैक्ट नंबर 14, गूगल तो हम सभी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि गूगल कितना बड़ा सर्च इंजन है। पर क्या आप ये जानते हैं कि गूगल पर सेकंड कितना रुपए कमाता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। गूगल एक सेकेंड में लगभग 1,30,900 रुपये पर सेकेंड कमाता है। क्यों लगा ना झटका, पर सच है। फैक्ट नंबर 13, मून यानी चांद। चांद तो हम सभी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि चांद पे कितनी लो ग्रेविटी है। तो चलिए इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो यानी 60 किलो है, तो चांद की लो ग्रेविटी की वजह से चांद पर आपका वजन 10 किलो ही होगा। फैक्ट नंबर 12, इंटरनेट तो हम सभी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इंटरनेट हमारे लिए कितना यूजफुल है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इंटरनेट भारत में आम जनता के लिए कब आया था? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट की शुरुआत 14 अगस्त यानी 14 अगस्त 1995 को VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई थी। फैक्ट नंबर 11, एप्पल। अरे एप्पल मीन्स ये वाला एप्पल नहीं, मीन्स आईफोन। आईफोन तो आपको मालूम ही होगा, और कितना महंगा होता है ये भी मालूम होगा। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टीव ने एप्पल कंपनी को सिर्फ $1,300 यानी $1,300 की शुरुआती लागत से अपने घर के गैराज से शुरू किया था। फैक्ट नंबर 10, यूट्यूब तो हम जानते ही है, पर क्या आप यूट्यूब के बारे में ये जानते हैं कि कुछ देशों में यूट्यूब पर बैन भी है? जी हाँ, यूट्यूब वीडियो नहीं, यूट्यूब ऐप पे बैन है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से देश है जिस पे यूट्यूब पे बैन है। यूट्यूब पर कई देशों में बैन है, जैसे कि ब्राज़ील, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना, ईरान, इंडोनेशिया, ऐसे ही और देशों में भी बैन है। अब ऐसा क्यों है, वही जानते होंगे। फैक्ट नंबर 10, आपको टाई तो बांधना आता ही होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको टाई बांधना नहीं आता होगा। तो जिनको टाई बांधना नहीं आता है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैथमेटिशियन के अनुसार टाई बांधने के लिए 147 से लेकर 177 तरीके होते हैं। तो अब आपको डरने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतने टाई बांधने के लिए तरीके होते हैं। फैक्ट नंबर 9, चलिए मैं आज आपको मैथ का एक मैजिक नंबर दिखाता हूँ। आप 1089 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम इसका उल्टा ही आएगा, 9801, जो है ना इंटरेस्टिंग नंबर।
फैक्ट नंबर 8, अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, तो आप में से बहुत सारे लोग सही आंसर देंगे कि पृथ्वी का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, और आंसर भी सही है। पर आपके जानकारी के लिए बता दूं, माउंट एवरेस्ट तो दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है, लेकिन भले ही माउंट एवरेस्ट धरती पर सबसे ऊंची चोटी है, पर माउंट चिम्बोराजो चोटी चांद के सबसे करीब है। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ यानी धरती पर कितना पानी है, तो आप बोलोगे कि अर्थ पे तो पूरा पानी ही पानी है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अर्थ पर पीने के लिए पानी कितना है, नहीं पता, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अर्थ यानी धरती के पूरा पानी का सिर्फ 1% ही पानी ऐसा है जिसे पिया जा सकता है। अगर इस 1% का भी 70-80% ग्लेशियरों पर जमा है। धरती के 99% ग्लेशियर आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महाद्वीप में है। जिन देशों में पानी की कमी है, वह इन ग्लेशियरों से बड़े बड़े बर्फ के थोड़े समुद्री जहाजों में ले जाते हैं। आपको बता दें कि यह पानी इतना शुद्ध होता है, इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें 2% नमक मिलाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन कौन सी है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था, माउंट एवरेस्ट। मगर K2 संसार की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। वर्षा यानी बारिश के कारण इस पे इतना पानी जम जाता है कि कुछ हफ्तों के लिए माउंट एवरेस्ट से थोड़ी ऊँची हो जाती है। फैक्ट नंबर 5, आप ये तो जानते हैं कि हमारे अर्थ पे कितना परसेंट पानी है, तो चलिए आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे अर्थ यानी पृथ्वी पे कितना परसेंट बर्फ है। हमारे अर्थ यानी पृथ्वी पे 10% हिस्सा पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। फैक्ट नंबर 4, लोहा तो आप जानते ही है, तो चलिए इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता। लोहा ब्रह्मांड में 6वां सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है। फैक्ट नंबर 3, इंग्लिश भाषा तो आप जानते ही है, तो चलिए इसके बारे में एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इंग्लिश की पहली डिक्शनरी 1755 में लिखी गई थी। फैक्ट नंबर 2, इंग्लिश तो आप जानते ही होंगे और इंग्लिश आप पढ़े भी होंगे, तो आपसे मैं यह पूछूं कि आई के ऊपर पड़ी ये डॉट को क्या बोला जाता है। नहीं पता, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले, आप स्कूल स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसको टीटल कहा जाता है। एंड फैक्ट नंबर 1, ये फैक्ट भी है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, तो आप सभी से मैं यह पूछता हूँ कि 15 लेटर का आप कोई ऐसा वर्ड बताइए जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब दोबारा नहीं आना चाहिए। थोड़ा टाइम लेके आराम से बताइए, ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है अनकॉपीराइटेबल। इकलौता 15 लेटर्स वाला शब्द है जिसमें कोई भी अक्षर दोबारा नहीं आता, जो है ना इंटरेस्टिंग। एंड फैक्ट नंबर 0, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।